हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफ़र विद हिंसकी। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉगिंग वीडियो पे। और इसके पहले वाले दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जल्दी कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरे को आपके प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग अपने प्यार मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए दिखाइए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। और इस वीडियो में भी बहुत सारा लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो एक रिसेप्शन पार्टी पे है, मेरे रिलेटिव के ही एक रिसेप्शन पार्टी पे है जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट पे है। और अभी हम जाने वाले हैं 4.5 घंटे, लगभग 4.5 घंटे दूर एक डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हो रहा है रिसेप्शन पार्टी। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ और मज़े कीजिए रिसेप्शन पार्टी पे। तो हम चलते हैं रिसेप्शन पार्टी की तरफ और करते हैं ढेर सारे मज़े। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम बस में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं रिसेप्शन पार्टी के लिए। और ये रहे हम पूरा ग्रुप मिलके, और ये है पांडवेश्वर रेल गेट जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, बड़ा है बहुत। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, सच में बहुत प्यारा नज़ारा है। तो गाइज अब हम आ रहे हैं देवचा बैरेज की तरफ, जो कि एक छोटा सा बैरेज है और ये रामपुर हाट को कनेक्ट करता है। देवचा बैरेज को क्रॉस करते ही हम रामपुर हाट चले आएंगे और फिर वहीं से हमको 40 मिनट और जाना पड़ेगा रिसेप्शन पार्टी के लिए। पता नहीं सामने वाले ट्रक को क्या मसला है यार, इतना धीरे क्यों चल रहा है। और अंकल जी को बिल्कुल इग्नोर करते हुए हम जा रहे हैं रिसेप्शन पार्टी की तरफ। और मेरी बहन बिल्कुल सो चुकी है, चलिए उसको नहीं जगाते। तो गाइस हम आ चुके हैं और बस से उतर चुके हैं और जा रहे हैं अभी ग्रूम के घर के तरफ, क्योंकि रिसेप्शन पार्टी जो हमारे दूल्हे राजा है उनके घर पे ही हो रहा है। और ये रही मैं सच गज के तैयार, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम बैठ चुके हैं नाश्ते के टेबल पे और मेरी बहन को ज़्यादा ही भूख लग गया है। स्नेहा पता नहीं क्या सोच सोच के खा रही है, भयानक मुँह लेके। और हम कर रहे हैं नाश्ता। तो ये रही हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी ब्राइड। हाय, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। हेलो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है हमारी ब्राइड। दोस्तों गर्मी में शादी का यही अंजाम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी में हम लोगों का हाल बेहाल है। तो अभी हम बैठ चुके हैं लंच के तरफ, लंच कर रहे हैं हम। और ये रहे हम सब, बहुत ही बढ़िया और ऑसम खाना है विथ चिकन लेग पीस, बहुत ही टेस्टी है। और अभी हम निकल चुके हैं घर के तरफ, रिसेप्शन पार्टी हुआ ख़त्म और जा रहे हैं घर के तरफ। पर सबसे अमेजिंग बात है कि अब हमको घर जाने के बाद फिर से एक शादी अटेंड करना है, और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे दो शादी एक साथ अटेंड करें। तो चलिए देखते हैं कि हम शादी अटेंड कर सकते हैं या नहीं। तुम्हें क्या बात किया, हम कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है अभी, पता नहीं अभी एक और शादी पे जाना है जो मेरे ही अंकल का ही है, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, इसीलिए हम इस वेडिंग से बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। अब देखते चलते उस शादी को अटेंड कर पाते कि नहीं यार, बहुत। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं और बहुत जल्दी जल्दी घर आए हैं हम, क्योंकि हमें अभी इसी वक्त एक और वेडिंग सेरेमनी अटेंड करना पड़ेगा। यार भाई साहब बहुत ज़्यादा टायर्ड तो हो ही चुकी हूँ मैं, पैर में भी बहुत दर्द है, पर क्या करूँ, फिर से एक वेडिंग सेरेमनी पे जाना है और आधा घंटा पे मेरे को रेडी होके निकलना है। पता नहीं यार क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर से मैं रेडी होती हूँ, तब तक आप बने रहे और देखते हैं, सफ़र में मज़ा लेते हैं। सफ़र तो वाई नहीं, फिर से एक वेडिंग पार्टी का मज़ा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये मेरा कुछ मेकअप का सामान, जल्दी जल्दी मेकअप कर लो यार, फिर से एक वेडिंग पे जाना है, चलते हैं। उफ यार, तो अब मैं कंप्लीट तैयार हो गई हूँ दूसरे वेडिंग पे जाने के लिए, और
बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, पर जाना तो पड़ेगा ही। तो आई होप मज़ा आए उधर भी। तो चलिए देखते हैं फिर से और बहुत सारे मज़े करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे वेडिंग सेरेमनी पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया है यार। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है। और ये रही हमारी पूरी पलटन, और यहाँ पर मैं थोड़ा पोज देते हुए यू फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं घर दोनों वेडिंग पार्टी सक्सेसफुली अटेंड करने के बाद। और कसम से यार बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मतलब इतना ज़्यादा पैरों पे दर्द है। दोनों शादी अटेंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भागम भाग करना पड़ा यार सच में। आई होप आप लोगों को भी मेरे साथ मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।